जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे वार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र का पेपर। दोस्तों आपका जो यहाँ पर फिजिक्स का पेपर होने वाला है 6 मार्च को। दोस्तों आपको इस पेपर को पूरा IMP समझकर पढ़े, ठीक है। इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 70 अंकों का और यहाँ पर समय होने वाला 3 घंटे का। इस पेपर में टोटल यहाँ पर 19 क्वेश्चन पूछे जाने वाले है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए, इन निर्देश को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको इंग्लिश वर्जन में आपको ये पेपर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर पहला आपका क्वेश्चन पूछा, आपका प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प आपको चयन करके लिखना है। ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने होता है। आपका पहला सही विकल्प देख लीजिए, किसी उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रण के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए, चारों में से आपको राइट आंसर छाट कर लिखना है। इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। दोस्तों आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। अच्छे से दोस्तों आपको क्या करना है, इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। बस आप दोस्तों IMP समझ कर इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कीजिए। तो मैं आपको दोस्तों यहाँ पर इनके बता देता हूँ, इनके यहाँ पर क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, जल्दी देख लीजिए। ओमिक प्रतिरोध है ये आपको बताना है, ठीक है, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर सी वाला देख लीजिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी हो है, ये आपको बताना है। उसके बाद आपका डी वाला देख लीजिए, एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है, ये आपको बताना है। आपका सी वाला देख लीजिए, इनके आंसर आपको मिल जाएंगे दोस्तों, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपका यहाँ पर देखिए अगला दिया आपका, किसी कुंडली का 100 पेयर का तो निर्भर नहीं करता, ये आपको बताना है। आपका एप वाला देख लीजिए, ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर आधारित होता है, ये आपको बताना है। दोस्तों आपको ब्लू प्रिंट के अनुसार इस पेपर को देख लेना है, ये सही है फिर गलत है, ठीक है। आपका यहाँ पर जी वाला देख लीजिए, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है तो किसका कारण उत्पन्न होती है, आपको बताना है, ठीक है। अब आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपका पूछा, आपका देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों आपको इंग्लिश वर्जन में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आपको इंग्लिश वर्जन में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, या पहला आपको क्वेश्चन हो जाएगा इंग्लिश वर्जन में। उसके बाद दोस्तों आपके पास दूसरा क्वेश्चन देख लिया, इंग्लिश वर्जन का यहाँ पर दिया आपको, और यहाँ पर सी वाला पर क्वेश्चन दिया आपको, ठीक है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए, इनके आंसर आपको मिल जाएंगे। अब आपका यहाँ पर डी वाला देख लीजिए, इसमें अभी आपको 4 ऑप्शन दिए। डी के बाद दोस्तों आपका जो यहाँ पर ई वाला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर सही विकल्प वाला, तो इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। आपका एप वाला देख लिया पर, वो यहाँ पर जी वाला आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब आपका दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन 2 देख लीजिए, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको यहाँ पर खाली स्थान की पूर्ति करना है, ठीक है। क्या करना दोस्तों, इस क्वेश्चन में खाली स्थान की पूर्ति करना है। तो आपका पहला खाली स्थान देख लीजिए अच्छे से, सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे खाली स्थान है, तो कौन सी आपको बताना है, इसका उत्तर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। आपका दूसरा देख लीजिए, आपको पूछा, आपका यहाँ पर पूछा, धारावाहिक परिनलिका खाली स्थान की भांति व्यवहार करती है, आपको बताना है। आपका तीसरा देख लीजिए, मित्र सेतु खाली स्थान सिद्धांत पर आधारित होता है, किसका आधार होता है, आपको बताना है। आपका यहाँ पर चौथा देख लीजिए, जल के अंदर वायु को बुलबुला खाली स्थान लेंस की भांति व्यवहार करता है, इसका आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। आपका यहाँ पर देख लीजिए अगला दिया आपका, नॉट गेट का बुलियन व्यंजक खाली स्थान है, आपको क्या करना है, नॉट गेट का आपको बुलियन व्यंजक आपको लिखना है, ठीक है। आपका यहाँ पर देख लिया अगला दिया आपका, आकाश का नीला दिखाई देने का कारण खाली स्थान है, तो किसके कारण यहाँ पर आकाश नीला दिखाई देता है, इसका उत्तर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। अगला देख लीजिए, विद्युत परिपथ में वोल्टेज को सदैव खाली स्थान में जोड़ते हैं, किसके माध्यम से जोड़ते हैं, आपको बताना है, ठीक है। इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। यहाँ पर इंग्लिश वर्जन में देख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स दिए, आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा, तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाएगा, चौथा क्वेश्चन आपका हो जाएगा, पांचवा, छठा, सातवा, यहाँ पर देख लिया आपको क्वेश्चन दिए आपको दोस्तों खालिस्तान दिए, और इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। इस वीडियो के लास्ट में इनके आंसर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपके अगला देख लीजिए, आप पूछा आपका यहाँ पर दोस्तों, आपका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर खंड 3 से यहाँ पर इसमें आपको क्या करना, सही जोड़ का मिलान करना है, ठीक है। एक तरफ तो आपको यहाँ पर आ कॉलम दिया, एक तरफ तो आपको बा कॉलम दिया, तो आपको आ से बा का मिलान कर लेना है। तो आप देख लीजिए सही जोड़ के अच्छे से देख लीजिए, आप इस सही जोड़ के अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर सही जोड़ का मिलान आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। मैं आपको सही जोड़ का मिलान अच्छे से बता दूंगा इस वीडियो के लास्ट में, यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपके पास देख लीजिए, इंग्लिश वर्जन में आपको दिया हुआ है, एक तरफ आपको कॉलम ए दिया, एक तरफ दोस्तों आपको कॉलम बी दिया है, तो आपको कॉलम ए से बी का मिलान कर लेना है, इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास क्वेश्चन 4 देख लीजिए, इसमें आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न का एक वाक्य उत्तर देना है, प्रत्येक प्रश्न का आपको क्या करना है, एक वाक्य उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन देख लिए, लेंस की फोकस दूरी लेंस की समता पर किस प्रकार निर्भर करती है, आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन देख लिए, किस गेट को उत्पन्न गेट कहा जाता है, मतलब दोस्तों किस गेट को यहाँ पर उत्पन्न गेट यहाँ पर कहा जाता है, आपको बताना है। तीसरा देख लिए, लेंस का नियम किस सिद्धांत पर यहाँ पर आधारित होता है, आपको बताना है। चौथा देख लिया, डेली आवर्ती क्या है, आपको बताना है। पांचवा देख लिया, खगोली
दूरदर्शन की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जाती है आपको बताना है। चौथा देख लिए कुछ अलग माध्यम की अनुपस्थिति का विभव पर क्या प्रभाव होता है आपको बताना है। अगला देख लिए आपका दिया आपका विस्थापन धारा किस कारण उत्पन्न होती है आपको बताना है। ठीक है, इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। आप इंग्लिश वर्जन में देख लीजिए, राइट द आंसर इन वन सेंटेंस एच, मतलब आपको प्रत्येक के यहाँ पर एक वाक्य में आपको इन क्वेश्चनों के जवाब देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन देख लिए आपका पूछा आपका दोस्तों यहाँ पर ओम के नियम की दो आपको सीमाएं लिखना है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट आप 19वां क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपको आगे और पीछे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपका 19 क्वेश्चन देख लीजिए, एसी जनित्र किसे कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का एकाचित बनाकर कार्यविधि का वर्णन आपको करना है। ठीक है, और इसका और वाला क्वेश्चन देख लीजिए, आपकी परीक्षा 5 नंबर का पूछा जाना है, कितने 5 नंबर का। ठीक है, और इसके और वाले क्वेश्चन में आपको LCR परिवर्त का वर्णन आपको निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर करना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर आपका 7वां क्वेश्चन देख लीजिए, लॉजिक गेट क्या है, OR एंड और NOR गेट के लिए संकेत सत्यापन सारणी एवं बुलियन पद आपको बताना है। इसका 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, PN संधि डायोड क्या है, डायोड का अग्र अभिनेत के रूप में किस प्रकार उपयोग किया जाता है आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपका 7वां क्वेश्चन हो जाएगा। अब आपका 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, संधारित किसे कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित की दायता के लिए व्यंजक आपको प्राप्त करना है। ठीक है, उसका 8वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया आपका। ठीक है, 8वां क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लिया आपका दिया दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख लीजिए, यहाँ पर आपका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका 16वां क्वेश्चन देख लिया पूछा आपका दोस्तों, यहाँ पर 16वां क्वेश्चन आपको क्या करना है इसमें दोस्तों, आपको यहाँ पर द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या आपको ज्ञात करना है। ठीक है, और इसके और वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसमें आपको संचित ऊर्जा की आपको गणना करना है। ठीक है, अब आपका देख लीजिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन बता देता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये हमारा कट गया दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए, सरल सूक्ष्म मध्य एवं खगोली दूरदर्शी में आपको अंतर लिखना है, कि 3 अंतर आपको लिखना है इस क्वेश्चन में। अब आपका अगला देख लीजिए, 2 पतले उत्तल लेंसों के परस्पर संयोग किए जाने पर संयुक्त लेंस की आपको फोकल दूरी एप के लिए सिद्ध करो कि आपको इसको सिद्ध करना है। ठीक है, जैसे दोस्तों हमने आपको टेलीग्राम चैनल में बता दिया था आपके कौन कौन से यहाँ पर क्वेश्चन आने थे। ठीक है, तो अच्छे से याद कर लीजिए। अगला देख लीजिए दोस्तों, आपका यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है क्यों। अतः क्वेश्चन देख लीजिए, किसी माध्यम का अपवर्तन कौन से कारकों पर निर्भर करता है ये आपको बताना है। ये आपके परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है। अब यहाँ पर 11वां क्वेश्चन देख लिए, निरोधी विभव किसे कहते हैं। अतः क्वेश्चन आपका द्रव्य तरंगों के कोई 2 आपको गुण बताना है। अब आपका 12वां क्वेश्चन देखिए, नॉट गेट की सत्यता सारणी बनाइए एवं समझाइए। अतः क्वेश्चन देख लिए, एन प्रकार एवं पी प्रकार के अर्धचालक में आपको अंतर बताना है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको इस क्वेश्चन को बताया था। ठीक है, तो अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद अगला देख लीजिए आपका 13 दिया आपका, किसी परिपथ में प्रतिरोध R1 व R2 समांतर क्रम में जुड़े होने पर सिद्ध कीजिए कि तुल्य प्रतिरोध आपको यदि है, आपको क्या करना है इसको सिद्ध करना है। ये आपका 13 क्वेश्चन हो जाएगा। इसका अतुल क्वेश्चन भी आपको दिया है, अच्छे से याद कर लीजिए जल्दी दोस्तों, यहाँ पर याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगला देख लीजिए आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका मीटर सेतु का नामांकित चित्र बनाइए, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है आपको बताना है। यह अभी आपकी परीक्षा में 3 नंबर का आने वाला है। ठीक है, और दोस्तों मैंने आपको इसको भी बताया था। ठीक है, उसके अगला देख लीजिए आपका दोस्तों, यहाँ पर दिया आपका, यहाँ पर यह हमारा हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन का मैं आपको बता देता हूँ, तो फटाफट देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। यहाँ पर आपका 9वां क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। इसमें आपको इसके अतुल क्वेश्चन आपको कहना है, किससे आवेश चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव को स्पष्ट आपको करना है। ठीक है, अब आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, आपको पूछा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए प्रेरण का आपको दूसरा नियम आपको बताना है। अतुल क्वेश्चन देखिए, 100 प्रेरण एवं अन्योन प्रेरण में आपको 2 अंतर बताना है। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन देख लिया आपका, देख लीजिए यहाँ पर दिया आपका 7वां क्वेश्चन दिया है, अच्छे से याद कर लीजिए। 7वां क्वेश्चन हो जाएगा, और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आपका 6वां क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। और यहाँ पर आपका दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर 5वां क्वेश्चन हो जाएगा, ओम के नियम के लिए 2 आपको सीमाएं लिखना है। 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, किरचॉफ आपका वोल्टेज का आपको नियम बताना है। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। ठीक है, अच्छे से फुल सॉल्यूशन आप देख लीजिए और याद कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर सही विकल्पों को यहाँ पर आंसर लगा लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। पहले में दोस्तों आपका आ जाएगा, पहले क्वेश्चन में आपका दोस्तों यहाँ पर 3रे वाला आ जाएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में आपका यहाँ पर दोस्तों आपका आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका दिया दोस्तों यहाँ पर बी वाला, यहाँ पर सी वाले में आपका 3रा वाला आ जाएगा, डी वाले में आपका यहाँ पर पहले वाला, ई वाले में आपका दूसरा वाला, एफ वाले में आपका दूसरा वाला, और जी वाले में आपका पहले वाला आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सही विकल्पों के आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छे से लगा लीजिएगा। अब आपका देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन बता देता हूँ मैं। अब दोस्तों आप यहाँ पर खाली स्थानों के आंसर देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले खाली स्थान में दोस्तों गामा किरणें आ जाएगी, दूसरे में आपका दंड चुंबक आ जाएगा, तीसरे में आपका यहाँ पर व्हीटस्टोन सेतु आ जाएगा, और चौथे में आपका अवतल आ जाएगा,
और पांचवी में आपका दोस्तों यहाँ पर बुलियन सूत्र आपको लिखने के लिए बोला गया था, और छठे का आंसर आपको दिया प्रकाश का परिक्रमण आ जाएगा, और सातवें में आपका समांतर क्रम आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको सही जोड़ का यहाँ पर मिलान आपको बता देता हूँ। दोस्तों आप यहाँ पर सही जोड़ का मिलान कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले में जो आपका पहला क्वेश्चन था दोस्तों, एक तरह आपको आ कॉलम दिया था और एक तरह आपको बा कॉलम दिया था। ठीक है, इनका आंसर लगा लीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ पहले में दोस्तों, आपका जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपका डी वाला आ जाएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में आपका दोस्तों यहाँ पर पहला वाला आ जाएगा सही जोड़ी में, और तीसरे क्वेश्चन में आपका ए वाला सही जोड़ी में आ जाएगा, चौथे में आपका जेड वाला आ जाएगा सही जोड़ी में, पांचवें में आपका यहाँ पर सी वाला आ जाएगा यहाँ पर सही जोड़ी में, उसके बाद आपका जो अगला देख लीजिए यहाँ पर छठे में आपका दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा जी वाला, और सातवें में आपका आ जाएगा ई वाला जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ अगला क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दोस्तों यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आपका जो अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर इनके आंसर देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। तो इनके आंसर यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए इनके आंसर आपको हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, आप अच्छे से देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन फोर, अब दोस्तों आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन फोर दिया है, ठीक है दोस्तों, मैं आपको क्वेश्चन फोर से लेकर आपको यहाँ पर दोस्तों 19 तक के आंसर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आपको दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पाँच से लेकर आपको 19 तक के आंसर आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, ऐसे भी आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर, यहाँ पर आपको सही से नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए दोस्तों आपको यहाँ पर पीडीएफ फाइल सॉल्यूशन के साथ अपलोड कर दी जाएगी यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब जय हिंद वंदे मातरम।